रयते मधुनी नव्या युगाचा माणूस आता झडतो आहे वटवृक्षाच्या विशालतेचा मोहन भाला पडतो आहे. ये भाग दो तीन छात्राओं का हमारे पहले लेक्चर के अंतर्गत स्वागत. तो सबसे पहले हम आपको जो पाठ्यक्रम दिया है यानी इस सेमेस्टर के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम दिया है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ. तो यहाँ आपको गद्य का पेपर जो है पेपर क्रमांक 3 मैं पढ़ाने वाली हूँ और उस पेपर का नाम है अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य. अस्मिता मूलक विमर्श और हिंदी साहित्य और इसके लिए जो किताब दी है जिसका शीर्षक है गद्य तरंग. तो गद्य तरंग यह जो किताब है इसके अंतर्गत कथा साहित्य और कथेतर साहित्य यानी यहाँ शिवाजी विश्वविद्यालय का उद्देश्य कौन सा है कथा साहित्य देने के पीछे. आपको अध्ययन के माध्यम से कथा साहित्य जो है कथा यानी क्या इसका स्वरूप कैसा होता है इसके तत्व कौन से होते हैं इसके कथा के प्रकार कौन कौन से होते हैं आदि सारी बातें आपको मालूम हो जाए इसीलिए कथा साहित्य और कथेतर साहित्य आपको अध्ययन के लिए दिया हुआ है. तो यहाँ भी 4 यूनिट्स के अंतर्गत आपका पाठ्यक्रम विभाजित है और अनेक उद्देश्य क्या है यह पाठ्यक्रम देने के पीछे दूसरा एक उद्देश्य है कि कथा साहित्य का अध्ययन करना. अगला उद्देश्य है कथेतर साहित्य का समीक्षात्मक रूप देखना यानी कथेतर साहित्य. कथेतर साहित्य इसका मतलब क्या है कथा को छोड़कर दूसरा जो साहित्य है उसको कथेतर साहित्य ऐसा कहा जाता है. और यहाँ कथेतर साहित्य वर्तमान प्रासंगिकता के साथ उसका अध्ययन करना यह भी शिवाजी विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह पाठ्यक्रम देने के पीछे हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ आपको ये जो किताब है गद्य तरंग नाम की किताब है इसमें 4 यूनिट्स के अंतर्गत कथाओं का विभाजन किया है. तो 4 यूनिट्स के अंतर्गत कथाओं का विभाजन किस प्रकार का है ये सबसे पहले हमें देखना बहुत ही जरूरी है. तो यहाँ प्रथम यूनिट जो है वह कथा साहित्य का दूसरा यूनिट कथा साहित्य का है. पहले यूनिट के अंतर्गत 3 कहानियां हैं दूसरे यूनिट के अंतर्गत भी 3 कहानियां हैं. तो यहाँ पहला और दूसरा जो यूनिट है इसके अंतर्गत 3-3 कहानियां यानी 6 कहानियां आपको अध्ययन के लिए दी हुई है. आप यूनिट क्रमांक 3 जो है इसके अंतर्गत क्या है इसके अंतर्गत कथेतर साहित्य और यूनिट क्रमांक 4 के अंतर्गत भी कथेतर साहित्य आपको अध्ययन के लिए दिया गया है. शायद देखिए कि आपके मन में यह प्रश्न निर्माण हुआ होगा कि कथा साहित्य ये समझ में आ गया परंतु कथेतर साहित्य यानी क्या कथेतर साहित्य इसका मतलब क्या है कि कथा को छोड़कर गद्य के अंतर्गत और भी छोटी छोटी विधाएं हैं गद्य की विधाएं हैं और उसका अध्ययन आपको इसके अंतर्गत दिया हुआ है. तो सबसे पहले हमें कथा इसका बड़ा रूप क्या है उपन्यास. उपन्यास का मतलब क्या है कादंबरी. तो कादंबरी का जो छोटा रूप है वह क्या है कहानी है यानी कहानी के अंतर्गत जो बातें होती है एकाध प्रसंग वहां स्पष्ट किया हुआ हमें देखने को मिलता है. तो इसी प्रकार यहाँ जो कहानियां दी है या कथेतर साहित्य जो दिया है उसके माध्यम से समाज को क्या मिले उसमें से समाज किस प्रकार प्रभावित हो जाए आदि सारी बातें कथाओं के अंतर्गत दी हुई हमें देखने को मिलती है. तो अब हम क्या करेंगे कि और जो आपका कथा साहित्य है इसको हम संक्षेप में देखेंगे कि यहाँ
कौन कौन सा कथा साहित्य किस किस प्रकार के विषयों पर प्रकाश डालता है, ताकि अनेक कथा तो छोटी रहती है परंतु इसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहता है, क्योंकि कौन सा भी साहित्य जब हम पढ़ते हैं, जब उसके बारे में लिखते हैं, तो हमारे मन में कोई ना कोई प्रश्न तो आ ही जाते हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर कथा साहित्य जो आपको अध्ययन के लिए दिया है उसको लेकर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ यूनिट क्रमांक 1 के अंतर्गत सबसे पहली जो कथा है जिसका शीर्षक है जीती बाजी की हार, यह पहली कहानी है आपको अध्ययन के लिए दी हुई और इसकी लेखिका है मनु भंडारी। मनु भंडारी यह हिंदी की जानी मानी साहित्यकार है और उनकी कहानी है जीती बाजी की हार। तो इस कहानी के अंतर्गत क्या है, शायद देखिए कि इस कहानी का शीर्षक जो है किस प्रकार का है कि एक बाजू से जीत है और दूसरी बाजू से हार है, और यहाँ तीन जो सहेलियां है उनका वर्णन किया है कि किस प्रकार दोनों सहेलियां हार जाती है और तीसरी जो सहेली है जीत जाती है, परंतु उसे खुद को लगता है कि नहीं मैं हार गई। तो ये क्या किस प्रकार का विषय है, किस प्रकार की कथा है, ये हम विस्तृत रूप से जब हम कथा देखेंगे तो उसी समय आपके समझ में आ जाएगा कि मनु भंडारी का ये कहानी देने के पीछे उद्देश्य कौन सा है। अब देखिए दूसरी कहानी है ग्रह प्रवेश। ग्रह प्रवेश जिसको हम क्या बोलते हैं, वास्तु शांत। तो ग्रह प्रवेश यह कहानी मिथिलेश्वर की कहानी है। मिथिलेश्वर तो इन्होंने यहाँ अंधश्रद्धा जो है यानी लोगों के बीच में जो अंधश्रद्धा है कि ग्रह प्रवेश होना ही चाहिए, मतलब क्या है कि जब हम नया नया मकान बनवाते हैं तो उसी समय प्रत्येक व्यक्ति की एक सोच रहती है कि यहाँ हमारा ग्रह प्रवेश होना चाहिए, नहीं तो कोई अघटित बातें घटित हो जाएगी, कोई बुरा हो जाएगा, इसी प्रकार की बातें यहाँ मिथिलेश्वर ने स्पष्ट की है। तो देखिए कि कौन सी भी बात को लेकिन अपने परिस्थिति के अनुसार करनी चाहिए। ग्रह प्रवेश है लेकिन जब हम मकान खरीदते हैं तो उस समय हम आर्थिक संकट में आ जाते हैं, तो आर्थिक संकट में आते हुए भी एक अंधश्रद्धा मानकर ग्रह प्रवेश करना और ये नहीं किया जाता तो जो जो बातें घटित हो जाती है, बुरी बातें घटित हो जाती है, तो उसका सारा जो परिणाम है ये मुखिया पर लगाया जाता है, यानी घर के जो प्रमुख है उनके ऊपर लगाया जाता है। तो ये बात कहाँ तक ठीक है ये सोच हमें इस कहानी के माध्यम से मिथिलेश्वर ने दी है। शायद देखिए कि हम पाठ्यक्रम देख रहे हैं ताकि आपकी उसमें रुचि निर्माण हो जाए, इसीलिए मैं संक्षेप में विस्तृत रूप में हम कहानियां देखने वाले ही है। अब देखिए अगली जो कहानी है वह है घर की तलाश। यह राजेंद्र यादव की कहानी है। शायद देखिए कि प्राथमिक रूप में यानी प्राचीन काल के अंतर्गत कहानियां जो थी काल्पनिक कहानियां थी, यानी कल्पना के आधार पर, मतलब क्या है कि राजा रानी की कहानी, परी की कहानी या राक्षस की कहानी, तो आदि जो कहानियां है वो काल्पनिक कहानी उस जमाने में थी। आज भी वो कहानियां हम छोटे छोटे बच्चों को सुनाते हैं, परंतु यहाँ राजेंद्र यादव ने भी घर की तलाश नामक यह जो कहानी है जैसे देखा जाए तो काल्पनिक है, परंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को अपने घर को लेकर किस प्रकार की ऐसी चाह रहती है। मान लीजिए कि हम 8-10 दिन एक आध गांव में चले जाते हैं, मान लीजिए एक साल तक दूसरे गांव में चले जाते हैं, तो अपने आप हमें घर की याद आने लगती है, और यही बात यहाँ का जो नायक है उसके बारे में हो गई है, और वो घर की तलाश में किस प्रकार भटकता है, नायक का नाम कौन सा है,
और यहाँ राजेंद्र यादव का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हर एक व्यक्ति को अपना घर यह बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, ताकि वो कहाँ भी जाए, घूमे फिरे, परंतु उसे अपना घर भी बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। ये बात यहाँ राजेंद्र यादव जी ने इस कहानी के माध्यम से आपके सामने रखी है। तो ये हो गया यूनिट क्रमांक एक की तीन कहानियां, जीती बाजी के हार, गृह प्रवेश और घर की तलाश। अब देखिए कि यूनिट क्रमांक दो के अंतर्गत जो कहानियां है वो किस प्रकार की है। तो यहाँ जांच पंचम की नाम यह कहानी है कमलेश्वर। तो यह जो कहानी है ये एलिजाबेथ रानी और उसका जांच पंचम का पुतला बनाना, या उसी समय किस प्रकार की आपत्ति आ जाती है, उसकी नाक ही चली जाती है, यानी देखिए कि लोग तो सब आने वाले हैं उसका विमोचन करने के लिए, परंतु वहां नाक नहीं है, इसी प्रकार की समस्या यहाँ कमलेश्वर जी ने स्पष्ट की है। इसके बाद दूसरी कहानी है पहाड़। तो यहाँ निर्मल वर्मा जी ने पहाड़ कहानी के माध्यम से एक निसर्ग का सुंदर जो वर्णन है वो हमारे सामने रखा है, और इसके साथ साथ छोटा बच्चा यानी उस परिवार का छोटा बच्चा जो है हमेशा सोचता है, यानी हमेशा खिड़कियों में से झांकता है कि वो पहाड़ कितना सुंदर है, मम्मी पापा हमें वहां जाने का है, और अचानक से एक दिन सभी वहां चले जाते हैं। तो वहां का वर्णन किस प्रकार का है, या मम्मी पापा शादी होने के बाद जब पहले उस पहाड़ पे गए थे तो वहां कैसे रहे थे, किस प्रकार उन्होंने वहां यानी अपना जीवन बिताया था, आदि सारी बातें जो है वो याद के रूप में निर्मल वर्मा जी ने यहाँ स्पष्ट की है। और इकाई क्रमांक दो के अंतर्गत अगली कहानी है सिक्का बदल गया। यह कहानी है कृष्णा सोपती की। चाहे देखिए सिक्का, सिक्का का मतलब क्या है, नाणो, यानी यहाँ सिक्का बदल गया। इस कहानी के अंतर्गत कृष्णा सोपती कहना चाहते हैं कि मनुष्य किस प्रकार द्वि स्वभाव वाला रहता है, यानी जब तक सत्ता है तो उसी के बाजू से रहना, और जब तक उसका सभी समाप्त हो जाता है तो दूसरी बाजू में पलट कर जाना। इसका मतलब ही क्या है, सिक्का बदल गया। और इसी प्रकार यहाँ भी समाज के अंतर्गत एक जो प्रवृत्ति है कि मनुष्य एक जैसा किसी के साथ व्यवहार नहीं करता है, यानी जिसके अंतर्गत शायद देखिए कि मराठी के अंतर्गत भी एक कहावत है, बहुत सुंदर इस प्रकार का कहावत है, शायद आपको याद आया हुआ होगा, यानी जब तक पैसा है तो उसी के बाजू में, और जब उसका सब कुछ लूटपाट हो जाता है तो दूसरे के बाजू में चला जाना, इसका मतलब क्या है, सिक्का बदल गया। तो इसी प्रकार यहाँ कहानी साहित्य जो है और कथेतर साहित्य जो है इसके बारे में हमने जो जो चर्चा की है, तो यहाँ इकाई क्रमांक तीन के अंतर्गत आपको तीन कथेतर साहित्य है, इसमें डायरी, आत्मकथा, जीवनी, रेडियो, रेखा चित्र, संस्मरण आदि आपको अध्ययन के लिए दिया हुआ है। तो इसके आगे का जो पाठ्यक्रम है या कथेतर साहित्य का संक्षेप में विवेचन जो है ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।